हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारा कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस समय लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के टाइम में हम लोग कहाँ पे कैसे मार्केटिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान देना है। तो ये एक्टिविटी आपको उसी बेस को लेके है कि आप लोग घर पे ही कैसे आप रक्षाबंधन के लिए आप राखी रेडी कर सकते हो, किस अकॉर्डिंग वेस्ट मटेरियल से आप मतलब कैसे आप सुंदर सुंदर सी राखियाँ बना सकते हैं, और राखी बनाने के लिए आपको मटेरियल क्या रिक्वायर होगा वो देखिए आपके सामने है। आपको फेविकोल चाहिए होगा, एक्रेलिक कलर चाहिए होगा, ईयर बड्स चाहिए होंगे, दो बीन्स चाहिए होंगे इस तरह से, थर्माकोल बीन एंड रिबन चाहिए होंगे। आपका ये रिबन आपका 12 इंचेस का होना चाहिए, 12 इंचेस का, ठीक है। और आपकी अप्रॉक्स 30 ईयर बड्स होने चाहिए एंड ये देखिए थर्माकोल बीन्स हो गए, केल हो गए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी आपके यहाँ पे वेस्ट कार्डबोर्ड जो आपके घर में आते हैं वेडिंग कार्डबोर्ड्स हैं वो चाहिए होंगे आपको, ठीक है। इनका मैं आपको किस अकॉर्डिंग यूज करूँगा आप देखिएगा। ये चलिए आइए शुरू करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये आप देखिए वेडिंग कार्ड में क्या होता है मोस्टली, देखिए इस तरह से देखिए लगा हुआ है, देखिए आपके प्लास्टिक से आते हैं, टैटूज आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो कहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग वे में, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे इसमें ये दिया गया है, दो तीन तरह के शेप्स में दिया गया है, तो उस अकॉर्डिंग हम कैसे इसमें बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए इसमें एक इस तरह का दिया गया है, देखिए राखी में गौतम जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा लुक करने पे। और ये जो इसका जो रिबन है, ये देखिए जो इसका कार्डबोर्ड का जो आपको वो है, ये चीज़ आप उसमें इसके रिबन के तौर पर आप उसमें यूज़ कर सकते हो। उसमें आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, किस अकॉर्डिंग वेस्ट कार्डबोर्ड से हम कैसे वेडिंग कार्ड रक्षाबंधन राखी के लिए बनाएंगे। तो पहले तो क्या करते हैं, जो सारा जो मटेरियल रिक्वायर है अपना कार्डबोर्ड, जिस कार्डबोर्ड से हमें राखी बनानी है वो कार्डबोर्ड हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास कई कार्डबोर्ड हैं, एक नहीं मैंने कई कार्डबोर्ड मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। अब देखिए जैसे एक ही कार्डबोर्ड है, एक यहाँ पर थ्री टाइप्स के मैं आपको यहाँ पे आज एक नहीं थ्री टाइप्स की राखी बनाना बताऊँगा। एक तो आपको ईयरबड से बताऊँगा और दूसरी आपको ये आपकी सडनली बहुत जल्दी करंटली बन जाएंगी, क्योंकि कोई टाइम नहीं लगेगा, इजली आपकी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखिए आप कई तरह के कार्डबोर्ड मैंने इसी अकॉर्डिंग निकाल रखा है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये छोटा सा कार्डबोर्ड है, देखिए सिंपली वे में देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अलग अलग कार्डबोर्ड ये निकाल के रखे हुए हैं। तो जो जो जिन जिन कार्डबोर्ड की मुझे बनानी है, जिन कार्डबोर्ड को मुझे यूज़ करना है, उसके हम राखी के तौर पर हम यूज़ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा लिया हुआ है, इसका हम रिबन भी निकाल लेंगे। देखिए जो हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे उसका हम रिबन भी निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ये रहेगा कि हमको उसके लिए आपको वो भी मिल जाएगा, थ्रेड भी मिल जाएगा बांधने के लिए। ये देखिए हमारा देखिए काफ़ी अप्रॉक्स काफ़ी हो चुका है हमारे पास थ्रेड इस तरह से। अभी देखिए यहाँ भी देखिए आपको ये पीकॉक का बनाना है, तो क्या करना है ये कटआउट कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बट आपको मैंने ये आइडिया के तौर पर चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कि किस अकॉर्डिंग चीज़ें रेडी होंगी। अब जैसे आपकी गोल्डन शीट है, तो गोल्डन शीट का आपको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। एंड ये रेड शीट है एंड ये स्काई ब्लू शीट है, देखिए इसमें फ्लावर टेक्सचर दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी टेक्सचर शीट है, कार्डबोर्ड की जो वेडिंग कार्डबोर्ड की जो शीट्स होती हैं टेक्सचर की डिज़ाइन होती है अलग अलग की, उससे जो निकल के आता है बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि पहले हम अपनी राखी बनाना स्टार्ट करते हैं, किस अकॉर्डिंग बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये हम बाद में करते हैं, अभी स्टीकर वाले भी हम बाद में बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ईयरबड से किस अकॉर्डिंग बनेंगी वो हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए जिनसे पहले मैं बनाऊंगा बाद में वो मैंने निकाल के रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो अब देखिए जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे आपको इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ ओम श्री स्वस्ति लिखा हुआ, आप इसको इस कटआउट को इसका कटआउट करके आप इसको यहाँ पे रिबन की जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे जितनी बड़ी राखी बनानी है, और राखी जब आप बना रहे हो तो राखी के बनाने का एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको 2 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 2 इंचेस आपको कितना हुआ, ये वो अप्रॉक्स, यानी कि आपको 2 इंचेस का सर्कल रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए आपके यहाँ पे शीट में देखिए पूरा टेक्सचर नजर आ रहा होगा, ये कार्डबोर्ड शीट ही है हमारी वेडिंग कार्डबोर्ड शीट है, उसी मैंने कट किया है। देखिए यहाँ पे पूरा टेक्सचर नजर आ रहा है, तो हम करेंगे अगर किसी भी कोई भी चीज़ें कैप के थ्रू, या आपके पास कंपास है तो कंपास से बना लीजिए, वेल गुड, ज़रा कंपास का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कीजिए, इसमें टेक्सचर बना हुआ है तो उस टेक्सचर को क्या कीजिए, फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे अपनी जो टेक्सचर दिख रहा है उसको हम एक अंडरलाइन कर लेंगे, तब से क्लियर हो जाएगा कहाँ पे किस अकॉर्डिंग कैसे कट करना है। तो देन उसके बाद आप इसको वहीं से कट कर लीजिएगा,
देखिए जो इसमें पैटर्न बनाओ बस मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कटिंग करने में इजी हो जाए, क्योंकि अभी इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आ रही है। अब मैं पेंसिल के ऊपर अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, उसकी विजिबिलिटी और अच्छी हो गई है इसकी वजह से। और जब ये हो जाएगा देन इसके बाद मैं इसको ये पोर्शन कट कर लूँगा। ये देखिए हमारा ये पूरा सर्कल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम कट कर लेते हैं। वही चीज़ जैसे हम बता रहे थे सेम अपना सीधा से कटिंग जब आप कर रहे हो तो इसकी ध्यान दीजिएगा इसकी जो आउटलाइनिंग है वो ना खराब हो। अगर वो आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी तो लुक वाइज आपकी जो राखी आप बना रहे हो वो लुक वाइज इतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितनी अच्छी दिखनी चाहिए अगर आप फिनिशिंग नहीं होगी आपके वर्क में। तो यहाँ पर जैसे कि ये मेरा लोकल फाइबर की तरह कट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक छोटा सर्कल मुझे कट करना, तो छोटे सर्कल के तौर पर यहाँ पर सेंटर पे चीज चिपकानी है। तो उसके लिए यहाँ पे स्काई ब्लू की शीट यूज़ कर रहे हैं। तो स्काई ब्लू अगर शीट में देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, इसमें देखिए टेक्सचर में फ्लावर दिया गया है आपको, आई थिंक विजुअल हो रहा होगा। देखिए तो मैं क्या करूँ उसको भी वही हाईलाइट के ले रहा हूँ फर्स्ट पहले तो, ठीक है। ये देखिए अकॉर्डिंग पूरा कैसे किस अकॉर्डिंग ये है, देखिए अभी आप इसी कट कर लेंगे। देन इसके बाद ये वाला पोर्शन उसको ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से ये कटआउट हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो ईयरबड्स हैं आपको ये दिख रहा होगा ईयरबड्स, ईयरबड्स के क्या हैं दोनों साइड के हम हेड कट कर लेंगे, ठीक है। हेड कर लेंगे देन इसके बाद हम इसके ऊपर टेस्टिंग का काम करेंगे। देखिए हेड जो है इस तरह से सारे जितने हेड हैं इसके हम दोनों साइड से वो हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से सारे ईयरबड के जो हमारे हेड हैं वो मैंने कट कर लिए। अब क्या करना है बस यहाँ पे हम इसको जहाँ मुझे इनको इसकी पेस्टिंग करनी है इनकी, तो वहाँ पे इस तरह से पहले ब्लेड फेविकोल लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से राउंड में करेंगे तो इससे क्या होगा आपका जो बिल्कुल इक्वल वे में चीज़ें रहेंगी। अब कैसे किस अकॉर्डिंग पेस्ट करना ये भी देखिए आप, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए इसको जो सेंटर है सेंटर नहीं आपको खोना चाहिए। अगर हमने सेंटर गड़बड़ कर दिया तो आपका देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिए पूरा कोई फ्लावर ऐसा क्रिएट हो रहा है। किसी और चीजें होंगी देखिए ऐसे कैसे हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसके ऊपर, अब जैसे इनका जो इनके जो हेड है उनको थोड़ा कलर्ड करना है, तो कलर्ड के लिए हम क्या करेंगे सिंपली कोई भी थोड़े से कैप में इनको डिप करके ड्राई करने के लिए रख देंगे। कोई भी कलर आप जैसे मुझे रेड लगाना है प्योर रेड या येलो लगाना है यहाँ पे सबसे अच्छा है यहाँ पे मुझे, क्योंकि हमारा रेड है व्हाइट के ऊपर। ये ना रहे तो उनको अपन ने कलम डीप करके बाहर निकाल देना है इस तरह। तो
देखिए जैसे मुझे यहाँ पे बीच में येलो कलर करना है, तो उसके लिए क्या मैं थोड़ा सा पानी लिया है, और पानी में जो हमारी जो ये सारी ईयरबड्स हैं मैंने इनको डिप कर दिया है इस तरह से। डिप करने के बाद ये सब जितनी मेरी ईयरबड्स हैं ये सब येलो हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, करना क्या आपको सेंटर से इस तरह पकड़ना है। ठीक है, हमारे पास एक स्टेपलर है, आप चाहे तो फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फेविकोल का यूज़ करिए तब भी कोई इशू नहीं, पर यूज़ करने से पहले ये सबसे लाइट थिंग सबसे लास्ट में आप यूज़ करिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि पहले सारे पे वर्क कर लेंगे फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से ये जो हमारा ये वाला पार्ट था इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये पूरी हमारी ब्लू से रिलेटेड है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का बीन्स इस तरह टॉप पे लगा रहा हूँ। ब्लू लगा दीजिए, रेड लगा दीजिए, योर चॉइस। एक चीज रख के जो आपको अच्छा लगे, ब्लू ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे के लिए क्या करना है, हमारे पास देखिए एक्रेलिक कलर है, तो एक्रेलिक कलर क्या करेंगे, पर्पल कलर मेरे पास है तो पर्पल कलर से देखिए इस तरह से तो थोड़ा कंट्रास्ट करना है, जिससे थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा लगे। और एंड देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बस खाली ब्रश से का बहुत ध्यान दीजिए जब इसको बना रहे हैं, किस अकॉर्डिंग बनाइए। ये देखिए इस तरह से खाली आपको क्या करना है, ईयरबड के पास जाके आपको ब्रश
इस तरह से जो मैंने भिगो के रखी थी वो भी मैं आगे बताऊंगा उसको कैसे यूज होगा। हो गया, यहाँ पे केवल एक और हमारे पास कलर है ऑरेंज यूज कर सकते हो या तो आप यहाँ पे रेड कर सकते हो, रेड आई थिंक काफी अच्छा लगेगा ऑरेंज के अकॉर्डिंग। पानी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ईयरबड से आपका ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए जैसे मैं लगाता हूँ वैसे पानी पूरा हमारी ईयरबड एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करना है यहाँ पर इसकी पेस्टिंग करनी है रिवर में इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फेविकोल लगा हमारे और उसके बाद फिर फ्लैट कर देते जिससे अच्छे से पेस्टिंग हो जाए हमारी इसकी। अब इसके बाद वहाँ पर इसको असेंबल करना है, वहाँ पर प्रेस करना है, प्रेस कैसे करना है वो भी देख लीजिएगा। अपनी आपको जो अपने राखी बनाई है उसको आपको उल्टा करके दबा देना, देन उसको आपको सूखने के लिए रख देना। जब तक हमारी यही राखी सूखती है तब तक हम आगे और कैसे बनेंगे वो हम बताते हैं। हमारे पास ये कार्डबोर्ड है उसमें हम इसे बॉर्डर देंगे, सूख के क्या करेंगे सूखने में इसके बॉर्डर हम कट कर लेते हैं बॉर्डर यूज करने के बॉर्डर में निकाल लिया। इसके यहाँ पे मैंने देखिए कट कर लिया मैंने दोनों चीजें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए तो भी आपको जो अच्छा लगे आप मुझे रेड कलर की बनानी तो मैं अपने ये पिकअप वाला भी निकालता हूँ पोर्शन उसको भी मैं कट के लिए इसमें मैं पूरा पिकअप कट करूँगा एक्चुअल में। ये देखिए यदि यहाँ पे ये रिबन हमारा हो गया, ये रिबन के साथ साथ मैं यहाँ पे पूरा पिकॉक कट करने वाला हूँ। ये देखिए भाई यहाँ पे ये पिकॉक भी कट चुका है एंड ये हमारे जो स्वास्थ्य वाले बुतों से वो पोर्शन भी कट चुके हैं। हमारे पास एक चीज़ बचती है ये जो उसका स्टिकर है यहाँ पे गणेश जी का स्टिकर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। स्टिकर ये रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है इस स्टिकर को सिंपली जहाँ पे हमारा टॉप का पोर्शन है वहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्टिंग करने से पहले कैसे पेस्ट करेंगे ये चीज़ भी देख लीजिएगा कि आपको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको कट कर लेना है, ठीक है। पहले क्या करना है ये जैसे हमारी वाइट शीट है तो वाइट शीट को पहले यहाँ पर कट कर लेंगे हमारी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। उसके बॉडी से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एंगल में सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि सही है इससे बड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं इसकी पिकअप की ये सब चीज़ें भी दिखानी है इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। एक चीज़ कट के ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ये ऐसे इस तरह से मैंने सर्कल कट कर लिया। उसके बाद इसको मैं कट के ले रहा हूँ कितनी ज़्यादा नहीं हुआ
इतना बड़ा मटेरियल कट करना है कि हमारी जो गणेश जी का जो स्टिकर है उसके अंदर ईजिली फिट हो जाए। ये थोड़ा मैं पेपर इसमें अलग से कट कर रहा हूँ कि हमारा रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन में बिल्कुल मर्ज हुए जा रहे हैं हमारे गणेश जी, तो उसके लिए क्या करेंगे थोड़ा सा फ्राई कराएंगे और डालने से अब यहाँ लगाने से पहले करना चाहेंगे। अब चलो देख लो कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको और कोई कलर भी अच्छा लग रहा है तो आप वो दो कलर लगा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है आप वाइट ही लगा दीजिए, लेकिन ये आपके सब पे अच्छे लगेंगे। गणेश जी के जो स्टिकर हैं तो सब पे अच्छे लगेंगे, तो आपको कोई कंपलसरी नहीं है, आप जिस पे चाहो उस पर लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, कलर चॉइस आपकी है, किस अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं चीज़ें। जैसे कि अभी वहाँ पर कुछ वाइट इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा था तो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे स्काई ब्लू वाला लगा रहा हूँ कटआउट, लेकिन ठीक है। यहाँ पे हमारे पिकॉक की वो भी आ रही है, एंड इसको हम क्या करेंगे जो हमारा स्टिकर है इसको स्टिकर को सेंटर में पेस्ट करेंगे। चलिए पहले हम पेस्ट कर लेते हैं, पेस्टिंग करने से पहले इसे ध्यान दीजिएगा कैसे पेस्टिंग करनी है, उसकी जो फेदर है आपके पिकॉक के वो विजिबल हो रहे हैं आपको, वो नहीं छिपने चाहिए, उसी से थोड़ी सी ब्यूटी आएगी इसकी आपको। एंड तो इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे इसको पेस्टिंग है, पेस्टिंग करने से पहले हम करेंगे क्या इसको यहाँ पे कोई भी डार्क कलर की आउटलाइनिंग करनी है, जो भी डार्क कलर कोई भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक लेना चाहे ब्लैक ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि पर्पल कलर में यूज़ कर रहा हूँ या तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ डार्क का, क्योंकि मैं ब्लू ही लगा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे ब्लू कलर भी यूज़ के ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मैं कलर हो गया, अब इसके बाद इसकी हम सिंपल वे में आउटलाइनिंग कर लेंगे इसे, मुझे मिल गया है तो उल्टा इसलिए कर रहा हूँ कि ईजिली हमारा कट भी हो जाए एंड निशान भी ना पड़ेगा, दोनों को मैं इसी तरह से और इसके बाद दोनों को मैं एक साथ रखूँगा। Thank you.